ये है एंड्रॉइड फोन्स जिन्हें जरूरत पड़ती है सिर्फ 8 GB रैम की, और ये है हमारे किडनीज किडनीज नहीं आईफोन्स जिन्हें जरूरत पड़ती है सिर्फ 4 GB रैम की, बट स्टिल ये आईफोन्स हमारे एंड्रॉयड यानी कि हमारे चचा से ज़्यादा फास्ट होते हैं। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो आईफोन्स होते हैं एंड्रॉयड से कम रैम होने के बावजूद भी वो इनसे ज़्यादा फास्ट क्यों होते हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, इसलिए नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। देखिए, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनमें जो ऐप्स बनती हैं वो जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से बनती हैं, और जावा वर्चुअल मशीन का यूज करती हैं आपके फ़ोन्स में ऐप्स को रन करने के लिए, जिससे कि बहुत रैम की ज़रूरत पड़ती है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट भी जावा गार्बेज कलेक्शन के थ्रू ही होता है, जिससे कि पूरे एंड्रॉयड में डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन होने के कारण मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। और जहाँ तक बात करें हम आईफोन्स की, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज होता है, जिससे कि हर ऐप अपना मेमोरी मैनेजमेंट खुद करता है और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बाकी शुरू से ही एंड्रॉइड्स को डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए बनाया जाता है, जैसे कि क्वालकॉम, मेडीटेक एक्सेट्रा, बट एप्पल अपने स्मार्टफोन्स में खुद के बनाए हुए बायोनिक चिप का यूज करता है, जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। बाकी अगर हम बात करें तो आपको ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में एक्चुअल स्किन की जगह दूसरी स्किन जैसे कि कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलती है, और बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशन इंस्टॉल पहले से आते हैं, जिससे कि आपका फोन बहुत ज्यादा स्लो होता है। बाकी अगर हम आईफोन्स की बात करें तो वहां पर एप्पल खुद अपने iOS को बनाती है, और जितने ऐप्स को डालना होता है और जितनी फीचर्स को इंप्लीमेंट करना होता है वो खुद करती है, इसलिए उसे कम रैम की जरूरत पड़ती है। बाकी एंड्रॉइड्स में आपको देखने को मिलता है कि सॉफ्टवेयर कोई और बना रहा है और हार्डवेयर कोई और बना रहा है, बट आईफोन्स में ज्यादातर चीजें खुद एप्पल ही बनाती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेट करके वर्क करती हैं और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बाकी एक बहुत बड़ी चीज की बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉइड कंपनी जो होती हैं वो नंबर्स पर फोकस करती हैं अपने मार्केटिंग के लिए, जैसे कि वो बताती हैं कि हमारे फ़ोन में 4 GB रैम है, तो कभी 8 GB रैम है, तो कभी 16 GB तक भी रैम है, बट यहाँ पर एप्पल तो ज़्यादातर फोन्स में बताती ही नहीं है कि उसमें रैम कितनी दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें आईफोन 11 प्रो की, तो उसमें आपको सिर्फ 4 GB का ही रैम मिलता है, बट स्टिल वो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। सो यही था आज का यह वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको थोड़ा आईफोन और एंड्रॉयड ज्ञान भी दे ही दिया। बाय द वे, आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मैं इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ में मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।